इस बार गर्मी में हमारे अंबिकापुर का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। हम सभी गर्मी से परेशान हैं, हलकान हैं। जिसके घर में पंखे नहीं थे वह कहीं से भी पंखे की व्यवस्था कर रहा है, कोई कूलर तो कोई एसी की व्यवस्था में लगा हुआ है, लेकिन पेड़ बचाने, प्रकृति को सुधारने की व्यवस्था में कोई नहीं लगना चाहता। वाटर हार्वेस्टिंग ना हम बात करना चाहते हैं, ना हम पेड़ लगाना चाहते हैं। हाँ, जरूर कुछ पेड़ फोटो खिंचवाने के वास्ते लगा लेते हैं हर बरसात, ताकि अपने आप को पर्यावरण प्रेमी कहलवा लें। लेकिन जहाँ 4 लाख से भी ज्यादा पेड़ों को काटे जाने की बात हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ पर हम में से कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता। बस गर्मी में ठंडी चाहते हैं, हर कोई बरसात और अच्छा पानी चाहता है, लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं कि यह कैसे होगा। जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और संस्कृति को बचाने की लड़ाई परसा कोयला खनन परियोजना के खिलाफ सरगुजा के ग्राम हरिहरपुर में लगातार चल रहा है। अनिश्चितकालीन धरने का रविवार को आज 75वां दिन था। इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते एवं उनकी टीम के द्वारा समर्थन दिया गया है। उन्होंने कहा कि हसदेव के समृद्ध जंगल को बचाने के लिए आदिवासी एक दशक से आंदोलनरत हैं, परंतु केंद्र और राज्य सरकार दोनों की आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार कर अदानी के लिए कोयले की लूट हेतु एक के बाद एक स्वीकृति दिए जा रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इस आंदोलन को समर्थन देने हम 20 मई 2022 को एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हमारे कार्यकर्ता हरिहरपुर पहुंचेंगे और रेल रोकेंगे। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के बिलासपुर जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जिला महासचिव और प्रदेश सचिव भी उपस्थित थे। झारखंड से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी केंद्रीय जनसंघर्ष समिति लतेहार से भी आए जेरोम कुजूर ने कहा कि शासन और प्रशासन अदानी के दबाव में काम कर रहा है, यही वजह है कि लगभग 300 पेड़ों को रातोंरात काट दिया गया। यह एक गंभीर मामला है। हसदेव की आदिवासी 2 मार्च से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, परंतु राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। हमारा संगठन आपकी इस लड़ाई में आपके साथ है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश पोया ने कहा कि यह दुखद है कि आपकी मांगों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, परसा कोल खदान को स्वीकृति जारी भी कर दिया, पर हम आदिवासी युवा आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार है। आगामी 20 मई को हम पूरी ताकत के साथ इस धरने में शामिल होकर इस आंदोलन को और व्यापक करेंगे। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के कोरिया, सूरजपुर, रामानुजनगर, उदयपुर जिले के जिलाध्यक्ष सहित समस्त कार्यकारिणी मौजूद रहे। ग्रीन आर्मी रायपुर से पहुंचे अमिताभ दुबे ने कहा कि जब हमने सुना कि हसदेव में 4.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं, तो हमने हरिहरपुर जाने का फैसला किया और आज आपके समर्थन में हमारी टीम से 50 पर्यावरण प्रेमी आपके बीच उपस्थित हैं। कोयला खदान के लिए इस क्षेत्र को बर्बाद करने की सरकार की मंशा का हम पूरी टीम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस निर्णय को वापस लिया जाए। आपके समर्थन में हम रायपुर में भी विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इस आंदोलन को लगातार विभिन्न संगठनों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, किंतु अब तक सरकार इस मामले में आंदोलनकर्ताओं से कोई चर्चा तक नहीं की है।